नमस्कार सभी को, एक्सप्लोरिंग हाइलाइट्स के एक नए व्लॉग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है अष्टमी और अष्टमी का ये दिन हमारे सभी के लिए बहुत बड़ा होता है। हमारे तरफ से सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी सुबह के 10 बजे हैं और हम निकल गए हैं मंडप की तरफ। महाअष्टमी के अवसर पर हम सभी जाते हैं सुबह सुबह मंडप और वहाँ पे भगवान को पुष्पांजलि चढ़ाते हैं। तो मेरे पापा पहले ही बहुत जल्दी मंडप पहुँच चुके हैं और अभी हम सभी मिलके मंडप की तरफ जा रहे हैं। दुर्गा पूजा में किसी दिन आप नए कपड़े पहने या नहीं, लेकिन अष्टमी के दिन नए कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी होता है। और ज़्यादातर लेडीज़ लालपाड़ा सादा साड़ी, जैसे हम कहते हैं, वाइट साड़ी विथ रेड बॉर्डर डालती है। अभी लाया जा रहा है भगवान के लिए भोग, और भोग लगाने से पहले भी पुष्पांजलि के कुछ राउंड्स हो चुके हैं। देवी को भोग लगाने से पहले पुष्पांजलि का एक और राउंड अभी होने वाला है। तो मैंने ले लिया है हाथ में थोड़ा फूल, लेकिन मुझे एक बेलपत्ता की भी ज़रूरत है। पूछ लेती हूँ, अगर वो मिले तो बेलपत्ता और फूल दोनों को हाथ में लेकर पंडित जी जो मंत्र बोलेंगे वही मंत्र को उनके बाद दोहराकर पुष्पांजलि दिया जाता है। पुष्पांजलि होने के बाद अभी भगवान को भोग चढ़ाया जा रहा है और भोग के बाद भी कुछ और पुष्पांजलि के राउंड्स होने वाले हैं। तो आज के दिन बैचेस में किए जाते हैं ताकि जब भी लोग आए दर्शन के लिए एक बैच बनाकर हम पुष्पांजलि दे पाए भगवान को। दुर्गा पूजा में हमेशा आप देखोगे भोग के साथ सुबह शाम को धुनुची नाच होता है। तो धुनुची ये जो अर्दन पॉट्स है इन्हें बोला जाता है, और इसमें धूप और नारियल का जो छिलका है उसे जलाकर भगवान को आरती किया जाता है। तो यहाँ पर ढाकीज आए हुए हैं कोलकाता से, हर पूजा में वो आते हैं। इस साल कुछ दिन वो अपने घर से दूर हमारे साथ दुर्गा पूजा मनाते हैं, और इनके बिना दुर्गा पूजा जैसे मानो अधूरा हो। इसी ढाक के आवाज़ के साथ भगवान को भोग निवेदन किया जाता है और धुनुची नाच भी किया जाता है। धुनुची नाच को लेकर बहुत सारी कहानियाँ हैं। ऐसा एक कहानी है जहाँ माना जाता है देवी दुर्गा महिषासुर के साथ 9 दिनों की लड़ाई में थी, जहाँ पे धुनुची नाच कर सारे भक्त उन्हें साहस और ताकत देने की कोशिश करते थे। तब से धुनुची नाच को दुर्गा देवी के सामने हम सभी मिलकर करते हैं। यहाँ पर तो हम सभी एक हाथ में धुनुची लेकर आरती कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो दोनों हाथ में दो धुनुची और मुंह में एक धुनुची लेकर भी देवी के सामने आरती करते हैं। दुर्गा माँ को भोग चढ़ाने के बाद सभी भक्तों को भी भोग परोसा जाता है, और यहाँ पे कोर कमेटी मेंबर्स हैं जो भोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और साथ में हम भी जुड़ गए हैं। तो यहाँ पे आज अष्टमी है और अष्टमी के अवसर पर ज़्यादातर खिचड़ी बनाया जाता है, और यहाँ पे खिचड़ी के साथ है सब्जी, खीर, पापड़। सप्तमी, अष्टमी और नवमी ये 3 दिन ही भोग का आयोजन किया जाता है, और जितने भी भक्त आते हैं सभी को भोग प्रसाद में दिया जाता है। बहुत भक्त है जो बहुत दूर दूर से आते हैं आज के दिन, और हर दिन एक अलग भोग का प्रिपरेशन होता है। किस दिन पुलाव होता है, किस दिन घी राइस होता है, तो आज जैसे खिचड़ी है। महाअष्टमी के दिन का भोग प्रसाद का इंतज़ार हम सभी को पूरे साल रहता है। तो बस ऐसे ही हम सभी ने मिलकर बताया अष्टमी का ये सुबह। आपने अष्टमी के दिन कैसे सेलिब्रेट किया मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और बहुत जल्द मिलेंगे नवमी के दिन के व्लॉग के साथ। आशा करती हूँ कि ये शॉर्ट व्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।